महाराज जी प्रणाम। जी तेरे प्रणाम महाराज जी, बैठो। अरे सिरजू बिरजू, क्या बात है, आज तुम दोनों बड़ा मुंह लटका के आ रहे हो। सब खैरियत तो है ना महाराज जी? आप तो सब जानी जान हैं, हमारी क्या समस्या है और उसका क्या समाधान है आप तो सब जानते हैं। लगता है तुम्हारी यहां से बदली हो गई है, इसीलिए इतना परेशान हो। हाँ महाराज जी, उसी सिलसिले में आज हम आपके पास अपनी फरियाद लेकर आए हैं। पहले ये बताओ, तुम्हारी बदली कब, कैसे और कहाँ हुई? महाराज जी, हमारे डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर से एक दिन छोटी सी बात पर हमारी थोड़ी कहा सुनी हो गई थी। उस समय हमारा कुछ ज्यादा तो बिगाड़ नहीं पाए, उन्होंने जिद में आकर हमारा ट्रांसफर तलवाड़ा से सीधा कपूरथला में कर दिया। महाराज जी, आज 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं हमें वहां से आते जाते हुए। हाँ महाराज जी, हम सुबह 6 बजे नहा धोकर अपने घर से निकलते हैं और 10 बजे कपूरथला वाले ऑफिस पहुंचते हैं, फिर शाम को 6 बजे वहां से चलते हैं और रात को 10 बजे घर पर पहुंचते हैं। सारा दिन तो हमारा आजकल बस में आने जाने के सफर में ही निकल जाता है, और महाराज जी, हम दोनों की आधी से ज्यादा तनख्वाह तो बसों और रेल के किराए में ही चली जाती है। हाँ महाराज जी, हमारी ये परेशानी देखकर हमारे घर वाले नौकरी तक छोड़ने के लिए कह रहे हैं, मगर महाराज जी, हम ये सोचते हैं हमें ये सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है, अगर ये चली गई हम अपने परिवार को कैसे चला पाएंगे। खैर छोड़ो, ये बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? महाराज जी, आपकी तो सरकार में बहुत वाकफियत है, और हमें मिलने जुलने वाले लोग भी यही कहते हैं कि अगर महाराज जी चाहें तो तुम्हारा सब कुछ फिर से सही हो सकता है। महाराज जी, हमने भी बहुत बार देखा है, हमारे डिपार्टमेंट के बड़े अफसर आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। महाराज जी, अगर आप सिफारिश करें हमारे डिपार्टमेंट के किसी सीनियर ऑफिसर से, तो हमारी बदली फिर से यहाँ तलवाड़े की हो सकती है। हाँ महाराज जी, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी कही हुई कोई भी बात हमारा बड़ा अफसर टालेगा नहीं। महाराज जी, अगर आप चाहें तो हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती है। मगर भाई, मैं ठहरा एक संत महंत आदमी, भला मेरी बात कोई सरकारी अफसर क्यों मानेगा? महाराज जी, आप एक बार ट्राई करके तो देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी कही हुई बात कोई भी हमारा आपसे टालेगा नहीं। चलो, तुम्हारी इस बात से एक बात का तो पता लग जाएगा कि लोग मुझे कितना चाहते हैं और मेरी बात का कितना कहना मानते हैं। चलो बताओ, किस अफसर से बात करनी है? किसी अफसर का नंबर है तुम्हारे पास? जी महाराज जी, येरा फोन नंबर। क्या नाम है उनका? जी मिस्टर मेहता जी हैं, सुना है कुछ देर पहले दिल्ली से चंडीगढ़ में नए आए हैं। चलो देखते हैं कौन है मिस्टर मेहता। हेलो। हेलो, मिस्टर मेहता बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं मेहता बोल रहा हूँ, आप कौन? मिस्टर मेहता जी, मैं पास के कस्बे दतारपुर से महंत राम प्रकाश बोल रहा हूँ। ओहो हो, महाराज जी प्रणाम, मैं एक्शन एन के मेहता बोल रहा हूँ, पहचाना आपने? फोन पर इतने दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनकर हमारा मन गदगद हो गया। आप तो जानते ही हैं कि हमारा सारा परिवार बाबा लाल जी का परम भक्त है, और आप तो बाबा लाल जी की दो दो गद्दियों के महंत हैं। महाराज जी सेवा बताएं, ये दास आपके लिए क्या कर सकता है? सेवा नहीं मेहता जी, एक समस्या है। हमारे गांव के दो लड़के सिरजू और बिरजू, जो आपके डिपार्टमेंट में तलवाड़ा में पहले काम किया करते थे, तुम्हारे किसी साहब ने गुस्से में आकर, उस अफसर ने इन दोनों का तबादला सीधा तलवाड़ा से कपूरथले का कर दिया है। अब वो दोनों बेचारे 6 महीने से हर रोज कपूरथला आते जाते हैं। 4 घंटे का लंबा सफर है तब कपूरथला का। उनके परिवार वाले भी बहुत परेशान हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप उनका तबादला फिर से तलवाड़े का कर दें, ताकि उनकी ये परेशानी खत्म हो सके। महाराज जी,
आपके आदेश को भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। समझो कि आपका ये काम हो गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर दोनों ट्रांसफ़र होकर तलवाड़ा वापस आ जाएंगे। और हाँ, आप उनसे कहिए कि अब वो तलवाड़ा में ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। धन्यवाद मेहता जी, धन्यवाद। देखा महाराज जी, आप पहले फोन करने से कितना झिझक रहे थे कि आप कह रहे थे कि आपको कोई नहीं जानता, मगर हमें मालूम था कि आपकी बार कितनी इज्जत और कितना मान सम्मान है। लोग तो आपको कलयुग का अवतार मानते हैं। चलो अब तो खुश हो ना तुम, अब तो तुम्हारी बदली फिर से तलवाड़ा की हो गई है। बस महाराज जी, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। खुश रहो।